गिरफ्तारी के बाद पेशी, पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार ख्वाजा बरादरान को आज एहसाब अदालत में पेश किया जाएगा। नैब टीम ख्वाजा साद और सलमान रफीक के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, अदालत की तरफ जाने वाले रास्ते आम ट्रैफिक के लिए बंद, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। वादा माफ गवाह कैसर अमीन बट रिहाई के लिए बेताब, अदालत में दायर दरखास्त की समाअत आज होगी। सोसाइटी में करप्शन का तमाम अहवाल नैब टीम को बता चुका हूं, यकीन दिलाता हूं कहीं फरार नहीं होगा। कैसर अमीन बट का दरखास्त में मौकफ। एलडीए कवायफ के मुताबिक भी पैरागॉन सोसाइटी गैर कानूनी निकली, नोटिसेस के बावजूद पैरागॉन सोसाइटी ने तमाम कवायफ एलडीए को जमा ना करवाए। साबिक डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग ने स्कीम को गैर कानूनी करार देने के लिए मरासला लिखा था। सियासी दबाव के बायस एलडीए चार साल में पैरागॉन के खिलाफ कोई ऑपरेशन ना कर सकी। रमजान शुगर मिल्स केस की तहकीकात तेज, डीसी चनोट समेत 8 जिले इदारों के अहलकार नैब में पेश। सरकारी खजाने के इस्तेमाल से शुगर मिल्स नाले की तमीर के हवाले से दस्तावेजात जमा करा दी। डीसी चनोट ने सरकारी फंड से मुतालिक नैब की तफ्तीशी टीम को अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। PP 168 के जिम्नी इलेक्शन का मार्का, बल्ला चलेगा या शेर थाड़ेगा, पोलिंग कल होगी। प्रिजाइडिंग अफसरान को आज 11 बजे गवर्नमेंट चिश्तियां हाई स्कूल इस्लामपुरा से इंतखाबी सामान दिया जाएगा। पीटीआई के मलिक असद खोकर और नून लीग के राना खालिद कादरी में कांटे का मुकाबला मतवक्के, लीगी मतवालों को जयालों की हमायत हासिल। बल्ला भी शेर और तीर को भी टपकाने का ठप्पा लगाने को तैयार। 1,26,912 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। ट्रेनी एएसआईज के लिए खुशखबरी, लाहौर पुलिस के 148 ट्रेनी एएसआईज को मुस्तकिल कर दिया गया। सीसीपीओ बीए नासिर ने मुस्तकली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम एहलकार अपने यूनिफॉर्म पर एसआई का बैच लगाएंगे। मसीहाओं की हठधर्मी बरकरार, ना इंतजामिया मानी ना ही डॉक्टर्स। यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल का दायराकार वसी कर दिया। आज डॉक्टर्स का फिर इलाज की बजाय हड़ताल और धरने का ऐलान। सीएनजी स्टेशन और सनती यूनिट्स को गैस की सप्लाई आज रात 12 बजे तक बंद रहेगी, नोटिफिकेशन जारी। सनतों को भी गैस की सप्लाई 24 घंटे मुअत्तल रहेगी। एंग्रो प्लांट की मरम्मत के लिए आरएलएनजी की वाफर सप्लाई दस्तयाब नहीं। खिदमत खल्क खुशनूदिए खुदा के लिए, फ्लैटीज होटल में फाउंटेन हाउस की जानिब से सालाना डिनर का अहतमाम। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल अजमल चीमा, मुशीर वजीर आला चौधरी मोहम्मद अकरम, डॉक्टर अमजद साकिब और दीगर की शिरकत। फाउंटेन हाउस में जेर इलाज लोगों के हाथ से बड़ी पेंटिंग्स भी दिखाई गईं। स्पेशल बच्चों ने मिली नगमों पर परफॉर्म किया।